तो दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस किया होगा कि आपने अपने फ़ोन में OTG पेन ड्राइव लगाया होगा या फिर वायरलेस माइक का जो एडाप्टर होता है वो लगाया होगा, लेकिन वो शो नहीं हुआ होगा। तो इसी प्रॉब्लम का मैं आज के इस वीडियो में सलूशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले हम फाइल मैनेजर में जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए केवल डिवाइस स्टोरेज आपको यहाँ पे दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा। अब मैं पेन ड्राइव यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये पेन ड्राइव को यहाँ पे लगा दिया। अब ये देखिए पेन ड्राइव को मैंने यहाँ पे अपने फ़ोन में लगा दिया, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं केवल डिवाइस स्टोरेज वही आ रहा है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं आया। यहाँ पे आता है, अगर ये कनेक्ट होता तो यहाँ पे OTG का ऑप्शन आता है, यहाँ पे केवल डिवाइस का स्टोरेज आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम सभी लोग फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मैं सलूशन बताने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे देखिए, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स आपको दिख जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको OTG कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे हमें इनेबल कर देना है। और इनेबल करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ आपको। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑफ इफ़ नॉट यूज फॉर 10 मिनट्स। अगर आप इसको इनेबल करने के बाद 10 मिनट तक यूज़ नहीं करते तो ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये बाई डिफ़ॉल्ट OTG कनेक्शन ऑफ रहता है, इसे हमें ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ से हम इसको ऑन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ऑन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे सामने OTG का ऑप्शन हमें दिख गया। यहाँ पे जो हमारा पेन ड्राइव है, यहाँ पे हमें दिख गया, ये 64 GB का पेन ड्राइव है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 64 GB का पेन ड्राइव है। इसमें यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस दिख रहा है कि कितना खाली है, और यहाँ पे ये है मेरा डिवाइस का स्टोरेज। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने OTG पेन ड्राइव को अपने फ़ोन में यूज कर सकते हैं। और मैं इस एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि सेटिंग में जाने के बाद आपको कैसे जाना है, और अगर आपको नहीं पता है तो डायरेक्ट आपके सेटिंग के अंदर आने के बाद एक सर्च मिल जाता है, वहाँ पे आप OTG सर्च कर लीजिए। जैसे ही आप OTG सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा OTG कनेक्शन, OTG के नाम, और ये नाम अलग भी हो सकता है, अलग अलग फ़ोन में अलग हो सकता है ये नाम। और मैं यहाँ पे OnePlus Nord C2 यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे फ़ोन में यहाँ पे इस तरीके से ये आता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों की इससे हेल्प हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।